Hey guys, I'm Shreya. Welcome to my new vlog. So, अब जो vlog बनने जा रहा है वो है shopping और fooding. मतलब बनारस की shopping और fooding के ऊपर जो सबसे ज्यादा ladies लोग को पसंद है. जैसे हमको भी पसंद है, ये नहीं कि हमको पसंद नहीं है. हम तो घूमने के लिए आते ही हैं इसलिए, क्योंकि बहुत सारा तो ढेर सारा शॉपिंग कर पाए. शॉपिंग करेंगे, जो भी खाना खाएंगे आप लोग के साथ सब कुछ शेयर करेंगे. तो चलिए लेट्स गो. जानते हैं आप लोग, हम तो पहले सुना था, आज तो खुद से रियलाइज भी कर लिया. बनारस की सुबह बहुत ज़्यादा सुंदर होता है. जैसे एक साइड पे गंगा और उसी गंगा में बैठ के सनलाइट देखना, जो मन को इतना शांति देता है आप लोग सोच नहीं सकते हैं. जैसे हमको उतना चाय तो पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों बनारस की इन गलियों ने हमको रोक डाला. और आज का दिन चलिए तब उसी दुकान के चाय के साथ शुरू करते हैं. अभी हम लोग आ गए हैं लक्ष्मी चाय वाला पे चाय पीने के लिए. तो चलिए देखते हैं लक्ष्मी चाय वाला के मक्खन मार्केट चाय. पूरा देखिए, पूरा सामने भीड़ है, हर कोई चाय पीने के लिए आया है. देखिए यही गली में है. अंदर वाला भरते हैं, जब आप बोलेंगी तब भरेंगे. एक ही अंदर वाला भी खिला था मैडम की, बैठ जाइए तो बन जा रहा है. बटर अंदर डाला हुआ है. इसको क्या बोलते हैं? सीजेरियन. इसको ऐसे हाथ में लेके इसके ऊपर से ये छिड़ो के इसको धीरे से अभी हम लोग लक्ष्मी चाय वाला से चाय और ब्रेड खा के निकला है. इतना ज्यादा टेस्टी बनारस था. और कुछ मिस करें या ना करें, हम ये गली और ये चाय हम जरूर मिस करें. और अभी हम लोग सुबह का चाय पीने के बाद जा रहे हैं कुछ चटपटा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए. और वो चटपटा सा ब्रेकफास्ट क्या है ये देखने के लिए, जानने के लिए आप लोग को करना पड़ेगा सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स गो. सो अभी हम लोग आ गए हैं कचौड़ी खाने के लिए. देखिए गरम गरम कचौड़ी है, जो है राम भंडार की दुकान के नाम से. और ये है कंटोनमेंट एरिया पे पेस्ट वाला कचौड़ी और जलेबी. चलिए अभी टेस्ट करते हैं. अभी हम राम भंडार पे हैं. ये देखिए, एक प्लेट कचौड़ी और एक प्लेट जलेबी और उसके साथ टू टाइप्स ऑफ सब्जी हम लोग को दिया हुआ है. बहुत टेस्टी है, आप लोग भी आइए जरूर टेस्ट कीजिए. इससे हाजिर है और एक लाजवाब सा डिश. तो चलिए देख लीजिए कि आप लोग को भी दिखाते हैं क्या खा रहे हैं. कहाँ है ये दुकान? ये दुकान बनारस से सारनाथ जाने के टाइम पे धमका स्तूप के म्यूजियम के ऑपोजिट में मिल जाएगा. और फिलहाल तो हम इस जायके का आनंद लेना चाहते हैं.
जल्दी से जल्दी लॉक कीजिए। ओके लॉक। तो चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मस्ती मस्ती और मस्ती। तो हम लोग अभी कर लिया है एक ऑटो रिक्शा जो हमें लौड़ा तक छोड़ेगा, क्योंकि गदौलिया चौक नहीं जा पाएगा इसलिए, क्योंकि आज दशहरा है तो पूरा भीड़ है, तो रास्ता बंद कर दिया गया हुआ है। हम लौड़ा से एक रिक्शा लेके फिर गदौलिया तक जाएंगे। तो चलिए हम लोग के साथ रहिए, और अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग का गाड़ी हम लोग छोड़ दिया है, तो मतलब ड्राइवर बहुत टायर्ड हो रखा था इसलिए हम लोग नहीं बोला कि हम लोग फिर से घाट जाएंगे ये वो। तो हम सामने से होटल के सामने से एक ऑटो या टोटो कुछ भी जाए जो भी हो वो हम लोग अभी कर लेंगे, उससे हम लोग फर्स्ट में तो जाएंगे गदौली चौक। चलिए महाकाल आया बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, और जैसे दर्शन हुआ घूमते ही हमको दिख गया और एक लाजवाब सा टेस्टी कुछ मीठा। चलिए अभी मुंह मीठा कर लेते हैं और अभी बात कर लेते हैं भैया से। मलाई पूरी जैसे ही आप महाकाल के मंदिर के एंट्री लेंगे वैसे आप लोग को लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा ये मुंह मीठा करने की दुकान, जो है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। और अभी हम लोग आ गए हैं बनारस की सबसे मशहूर लस्सी पीने के लिए, और वो है बलवान की लस्सी। तो चलिए अभी कर लेते हैं भैया से बात। भैया कितना टाइप लस्सी मिलता है? हमारे यहाँ कई फ्लेवर की मिलती है, फ्रूट लस्सी, नमकीन लस्सी, शुगर फ्री लस्सी, चॉकलेट लस्सी, और प्लस रेगुलर लस्सी हमारी बहुत ही बेहतर है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। ये है लंका चौक में, ये एकदम चौड़ा में पड़ेगा, लंका चौक बोल के जो आता है उसी में आपको किसी को भी मतलब पहलवान की लस्सी बोलने से आप लोग को दिखा देगा, तो आप लोग जरूर आइए ट्राई कीजिए और ट्राई कर लीजिए। अभी हम लोग हैं पिज़्ज़ारिया भाटिका कैफे जो है अस्सी घाट के एकदम पास। आप लोग अस्सी घाट आने से एकदम से आप लोग देख पाएंगे ये पिज़्ज़ारिया भाटिका। चलिए तो अभी हम लोग कर लेते हैं ऑर्डर और आप लोग को भी एक बार मेनू दिखा देते हैं। घाट में ही है, तो चलिए
अभी ऑर्डर दे दिया है हम लोग पिज्जा डी वाटिका का सबसे स्पेशल पिज्जा और एप्पल पाई। ऑर्डर आने तक हम लोग वेट कर लेते हैं। पिज्जा नहीं खाए ये हो नहीं सकता है, इसलिए तो आप लोग को भी बोल रहे हैं आप लोग भी बनारस आइए और पिज्जेरिया का पिज्जा ट्राई कीजिए और साथ में एप्पल पाई का मज़ा लीजिए। जैसे किसी को ठीक भी लग सकता है, जैसे हमको तो थोड़ा ज़्यादा लगा, आप लोग को नहीं भी लग सकता है। ये आना कली सूट घर के सामने ही है, डॉली शॉप पे मार्केट में। अभी हम लोग जा रहे हैं गदौली मार्केट और ये देखिए गदौली मार्केट में घूमते घूमते हम लोग को मिल गया मलाई कुल्फी। ये था बहुत टेस्टी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा आने से। और अभी हम लोग जा रहे हैं बनारस की सबसे टेस्टी काशी चाट भंडार में चाट खाने के लिए, बहुत एक्साइटेड है तो चलिए अभी चाट के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। दुकान में था बहुत रश इसलिए हम अंदर जाके वीडियो नहीं बना पाए, तो हमने ऑर्डर कर दिया है एक टमाटर चाट जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा टेस्टी है और एक आलू चाट। अभी हम लोग आए हैं लेरू पान वाला के पास पान खाने के लिए जो पहले ताज होटल के पास में था, ये अभी कैंटोनमेंट एरिया पे आ गया है, तो चलिए लेट्स ट्राई।
फ्राई करने जा रहे हैं। पता नहीं इतना बड़ा पान मेरा पूरा मुंह पे आएगा या नहीं, फिर भी ट्राई करते हैं। पूरा मुंह मेरा भर गया है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। पान बहुत टेस्टी है, आप लोग आइए जरूर ट्राई कीजिए। सच में पान बहुत टेस्टी था, पूरा मीठा, एकदम रसगुल्ला जैसा मीठा है। आप लोग आइए और जरूर ट्राई कीजिएगा। ये कैंटोनमेंट एरिया पे है लेडू पान, कैंटोनमेंट एरिया पे आके आप लोग लेडू पान बोलिएगा। अर्बन फूड कोर्ट के पास ही है एकदम। ड्राइवर समीर जो पान खाया अभी भी, जब भी हम पान खाए ना उससे मेरा गला में पूरा ठंडा सा एक हो रहा है, जैसे पूरा जैसे फील, एक फ्रेश फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा लगा है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बनारस स्टेशन, ये देखिए। और ये सफर में हम लोग के साथ था समीर भैया, तो बहुत बहुत थैंक यू हमारे तरफ से। आप कोई दिक्कत होगा तो हम उसके लिए सॉरी भैया। मेरे तरफ से अगर कोई आएगा आप हमको जैसे अच्छा से घुमाए आप घुमाएंगे ना। नेक्स्ट सेक्शन कोई भी आता आपका, कोई गेस्ट या आपका कोई आता हमें घुमाने के लिए, तो आपका भैया हम लोग को भी बहुत अच्छा से घुमाया था। जरूर आइए, आके जरूर भैया से कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है भैया। तो आपका नंबर हम दे देंगे। ओके भैया, थैंक यू सो मच भैया, इतना अच्छा से घुमाने के लिए। बाय बाय सबको, हमारे तरफ से हैप्पी जर्नी। आप चलकर जबलपुर इटारसी।